डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। महोदय, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का क्रियान्वयन करने से आंचलिक भाषाओं को प्राधान्य मिल गया। आंचल की आर्थिक, पारंपरिक तथा सामाजिक पहचान को प्रोत्साहित करने में राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा अन्य बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं अपना योगदान दे रही है। इसके साथ साथ आंचलिक भाषा के विकास के लिए उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना अति आवश्यक है। यह विकास प्रत्येक राज्य तथा अंचल में काफी हद तक उभर चुका है, परंतु प्रश्न यह उठता है कि इतनी सारी विभिन्नताओं के बावजूद इन सभी भाषाओं में समन्वय किस प्रकार स्थापित किया जाए, जो समन्वय राष्ट्रीय अखंडता के लिए अनेकता में एकता का माध्यम बन सके। पैराग्राफ चेंज। राज्य तथा आंचलों को आर्थिक, सामाजिक तथा भाषा की स्वतंत्रता मिलने से इन क्षेत्रीय भाषाओं का बहुत विकास हुआ है, जिसकी पराकाष्ठा क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध साहित्य, रंगमंच तथा फिल्मों के माध्यम से हो रही है। श्री अरविंद के शब्दों में, प्रादेशिक जातियों की इस समस्त रचना में बाह्य रूपों में अनेक भेदों के बीच एक ही संस्कृति का प्रभुत्व दृष्टिगोचर होता है, परंतु उनमें से प्रत्येक अपनी विशिष्ट चरित्र और स्वभाव की धारा के अनुसार ही सृजन करती है, और यह चीज इन सुंदर और ओजस्वी साहित्य में से प्रत्येक पर भिन्न भिन्न छाप लगा देती है, जो एकता में भी समृद्ध विविधता का स्रोत है। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति जितने अच्छे तरीके से अपनी मातृभाषा में कर सकता है, उतनी अन्य भाषा में नहीं। अब प्रश्न यह उठता है कि भारत एक अखंड राष्ट्र है, फिर इसमें विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं का समन्वय कैसे किया जाए, जिसमें प्रत्येक देशवासी को यह अनुभव हो सके कि हम भिन्न भिन्न आंचलिक भाषाओं के बोलने वाले एक ही माला में पिरोए हुए मोती हैं। हमारी अपनी पारंपरिक पहचान भी रहे तथा इसके साथ ही हम सभी एक ही विशाल तरु पर रहने वाले भिन्न भिन्न बोलियों में बोलने वाले पक्षियों की भांति प्रेम से रहें। लगता है कि संविधान निर्माताओं ने यह बात गहराई से अनुभव की होगी। प्रशासन की सुविधा के लिए अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी इस भाषा की व्यापकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया। इसलिए संविधान निर्माताओं ने पहले से ही धीरे धीरे अंग्रेजी में भारतीय भाषा में परिवर्तित हो करना शुरू कर दिया। हिंदी भाषा का पारंपरिक रूप में अंग्रेजी का स्थान लेना असंभव सा था। समाप्त।